आज गाइस दूसरा दिन है और सनी मेरे साथ है, जो पेंडिंग काम बाकी हम वो करने जा रहे हैं। तो लास्ट वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, बोल रहे थे आप स्टूडेंट लाइफ दिखाओ कैसी है। तो आप तो डेली के ब्लॉग भी बोलते हो, बट डेली के ब्लॉग बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि डेली रूटीन के ब्लॉग बनाने। तो ये चलो ये इम्पोर्टेंट था, तो ये ब्लॉग भी बना रहे हैं। आज हमने बैंक में जाना है और उसके बाद हम जॉब एजेंसीज में जाएंगे, उसके बाद सेंट जॉन कैंपस का भी सोचा है, वहाँ पर एक और नया स्टूडेंट है उसको भी मिलना है। तो ये ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ये हम फॉगे स्ट्रीट पर हैं और जो आज का वेदर है बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पर हवा चल रही है, ठंड तो नहीं मैं कहूँगा, ठंड तो नहीं है ना, नहीं कमी है, हाँ बिल्कुल ठंड नहीं है इतनी, पर धूप भी निकली हुई, हल्की सी धूप है। बाकी हम मेन स्ट्रीट पर हैं, यहाँ पर जो फॉगे स्ट्रीट है, तो इसी स्ट्रीट पर सिर्फ 5 मिनट की वॉक है हमारे घर से, जहाँ पर मैं और सन्नी रह रहे हैं, तो सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। बैंक भी पास में है, ग्रॉसरी स्टोर भी पास में है, तो हम कुछ ही देर में बस पहुँच जाएंगे। फिर मैं आपको बैंक का दिखाता हूँ, इसने फॉर्म वगैरह फिल करने हैं, क्या प्रोसेस है। बैंक हमने एक्चुअली डिसाइड कर लिया है, अभी ग्रीन लाइट हुई पड़ी है, तो हम पहले इसे क्रॉस कर लें। बाकी बैंक यहाँ पर नेटवेस्ट है, HSBC है, मेरा अकाउंट HSBC में है, तो इसने लॉयर डिसाइड किया है। तो और भी जो नए स्टूडेंट आए हैं बर्मिंघम में, इसके फ्रेंड हैं, तो उन्होंने भी लॉयर्स में ओपन करवाया है, तो ये कहता है उसी में करवाना है। बाकी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरी है ना आपने? पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसके बाद आप ब्रांच में विजिट करो तो वो ओपन कर देते हैं, थोड़ी टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट। चलो ये गाइस मैं आपको बाद में बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर अभी क्राउड है और गाड़ियाँ वगैरह भी जा रही हैं, तो आपको आवाज़ में भी क्लियर ना आ रही हो। तो सन्नी को अभी देखते हैं बैंक में क्या प्रोसेस है आगे, फिर उसके बाद जाना है आगे, आपको बताया ही है, तो आपको बैंक में मिलते हैं अभी। हाँ नहीं, आपने क्या किया था सबसे पहले? ऑनलाइन एक फॉर्म बोल रहा था जिसने भरना है। हाँ, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ता है सबसे पहले, और उसके बाद आपको एक ईमेल आएगा, जैसे आप देख सकते हो, मतलब ईमेल आ जाता है, उसे मतलब शो करना होता है ब्रांच में, और एक पासपोर्ट और बैंक की कॉपी, बैंक की स्टेटमेंट होता है, आपके ऑनलाइन पोर्टल पर आ जाता है, यूनिवर्सिटी भेज देती है, तो उन दोनों चीज़, पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट, ये दो चीज़ लेके जानी होती है, और आपका 10 से 20 मिनट में ओपन हो जाता है। तो अभी हम बैठे हैं, बस फॉर्म फिल करना है, तो सिर्फ 5-10 मिनट लगेंगे, अकाउंट ओपन हो जाएगा, किसने ऑनलाइन कर लिया आपको बता दिया कैसे करना है, तो बहुत ही ईजी है। हम अभी बैंक में ही थे, आपने देखा सनी ने आपको बताया कि कैसे करना है, तो उसने बोला कि आप प्रिंट आउट निकाल कर लाओ, जो पासपोर्ट का है ना, पासपोर्ट का, वीज़ा का, पासपोर्ट का और बैंक स्टेटमेंट, बैंक जो आपको स्टूडेंट का स्टेटस लेटर मिलता है ना यूनिवर्सिटी से, बैंक लेटर है ना, तो वो एक आप प्रिंट आउट निकालो। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बढ़िया नहीं रहा, क्योंकि मेरा अकाउंट था HSBC में, तो जब हम गए थे ना अकाउंट खुलवाने के लिए HSBC में, उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं मांगा था वहाँ पर, उन्होंने हमने उनको मेल भेज दी थी, तो प्रिंट आउट वगैरह उन्होंने खुद ही निकाल दिया था। तो इन्होंने बोला है कि आप प्रिंट आउट निकालो, अब हम लाइब्रेरी जा रहे हैं, वहाँ पर प्रिंट आउट निकालेंगे, फिर इसके पास बैंक के पास दोबारा आएंगे, फिर ये अकाउंट खोलेंगे। तो यहाँ पर तो जल्दी शॉप्स वगैरह भी नहीं मिलती कि कहाँ से प्रिंट आउट निकालना है, फिर हम सारा अपना यूनिवर्सिटी से करते हैं, वहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लगते प्रिंट आउट के, क्योंकि आपकी स्टूडेंट ID होती है, तो आप वहाँ से जितने मर्ज़ी आप प्रिंट आउट निकाल लो, फोटो स्टेट जो भी करना है, आप स्कैनिंग वगैरह वहाँ कर सकते हो, तो बस सिर्फ यहाँ से 5 मिनट लगेंगे, हम पहुँचने ही वाले हैं। बाकी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, क्योंकि बैंक वालों को करना चाहिए, जब हम मेल भेज देंगे तो उनको 1 मिनट लगता है प्रिंट आउट निकालने में, कोई बड़ी बात नहीं है। इस मामले में HSBC ने बढ़िया हमारा, वहाँ पर सिर्फ बहुत ही इजी था, कुछ हेडेक नहीं थी, तो चलो कोई बात नहीं। लाइब्रेरी के पास पहुँच चुके हैं, ये जो मेरे आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हो, ये सारी लाइब्रेरी यहाँ की दी हाइव कहती है, तो अभी देखते हैं अंदर जाकर। बाकी मैंने इसको स्टार्टिंग में ही बोला था HSBC में चलते हैं, और इसने बोला था कि मेरे दोस्तों ने उधर खुलवाया है, उन्होंने ऑनलाइन भरा हुआ फॉर्म वगैरह, तो इसके दोस्त बर्मिंघम में है, तो ये बूस्टर में है अभी, तो इसलिए इसने दोस्तों की सुनी, अब हमारी नहीं सुनी। अब मैंने इसको बोला भी था कि HSBC ठीक है, तो इसीलिए चलो कोई बात नहीं, इसकी मर्जी है, बाकी अब देखते हैं अभी अकाउंट का क्या बनता है।
जस्ट डन। जैसा कि आपने देख ही लिया कि प्रिंट आउट हमारे निकल चुके हैं, थोड़ा सा बस 5-10 मिनट लगे, वो मैडम ने सारा बता दिया था कैसे करना है, क्योंकि अभी कोविड का चक्कर है ना, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा स्ट्रिक्ट काम है इनका, ऊपर नहीं जाने देते प्रिंट आउट निकालने के लिए, नीचे ही था। पहले इन्होंने हमारे नाम लिखे, फ़ोन नंबर लिखा, आईडी मांगी, पूरा इन्होंने पहले नोटिस कर लिया अपने लेटर पे, फिर हमको अलाउ किया कि हाँ प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो बहुत ईजी है, स्टूडेंट आईडी आपको मिलती है, आप भी कर सकते हो। आपके जो स्टूडेंट आईडी होता है उसमें एक बैलेंस होता है उसके बिहाफ पर, ऐसा नहीं कि फ्री है बिल्कुल भी, वो आप जब ऑलरेडी अपनी ट्यूशन फीस पे करते हो तो आपको स्टूडेंट आईडी कार्ड में एक बैलेंस मिलता है जो प्रिंट के लिए होता है। वो जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सबका अलग अलग है, हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ पर 10 pounds देते हैं जो आपका आईडी कार्ड होता है, तो ऐसा लगा लो 10 pence 20 pence पर पेज के काट लेते हैं, तो कुछ ज़्यादा नहीं है तो बढ़िया। ये है कि आपको बाहर ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता। तो बाकी हमारे डॉक्यूमेंट पास में ही सभी, तो मैंने आपको दिखाई, अभी बैंक जा रहे हैं तो होपफुली बैंक का काम हो जाएगा। गाइस इसका बैंक अकाउंट ओपन हो गया था, वहाँ पर आधा घंटा लग गया ना हमें, तो वही ठीक था। तो बाकी यहाँ पर अभी जॉब एजेंसी हम देख रहे हो गया पीछे, मैं यहाँ पर ही रुका हूँ, तो यहाँ पर मैंने भी रजिस्टर किया हुआ है। तो अभी हम इधर ही थे तो अभी कॉल की, ये कहते हैं कि हम ना ऑनलाइन यहाँ पर कॉल करेंगे, आपको एक ऑनलाइन लिंक भेजेंगे तो उस पर आपने रजिस्टर्ड होना है, तो आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, तो अभी विजिट नहीं कर सकते ऑफिस में, आपको पता लॉकडाउन है। तो एक एजेंसी थी वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी थोड़े दिन पहले वहाँ पर विजिट किया था, वो लॉकडाउन में भी वहाँ पर जा सकते हैं, पर अलग अलग एजेंसीज का अपना अपना हिसाब है, तो इन्होंने मना कर दिया, कहते आप विजिट नहीं कर सकते हैं अंदर, तो हम आपको एक लिंक भेजेंगे उस पर आपने अपनी डिटेल करनी है। तो सन्नी का नंबर ले लिया इन्होंने, बात हो गई है, अभी इसको एक लिंक आ जाएगा उस पर अपनी डिटेल भरेगा, अपना बैंक अकाउंट जो उसका नंबर मिला है, डिटेल वगैरह, शॉर्ट कोड, अकाउंट नंबर, ये सब डाल देगा, तो फिर इसके बाद इसको जॉब वगैरह की कॉल आएगी, और देखते हैं जैसे भी जॉब की कॉल आएगी वो मैं बताऊंगा, तो जॉब का ब्लॉग भी बनाएंगे इसका कि स्टूडेंट को कितने दिन के बाद जॉब मिली है, क्योंकि अभी इसने क्वारंटाइन किया आपको पता ही है, तो अभी 12-13 दिन हो चुके हैं, 12-13 दिन हो चुके हैं ना, तो क्वारंटाइन किया इसने अभी, तो आपको पता ही है जो लास्ट वीडियो आपने देखी थी। अभी एक और जॉब एजेंसी है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, तो वो भी आई थिंक क्लोज पड़ी है, आप देख रहे होंगे सामने स्टेप बाय स्टेप, तो अब हम इधर जा रहे हैं, पर मुझे लग रहा है ये भी बंद है, तो हमें फ़ोन करना होगा तो फ़ोन पर ही बात करेंगे। पीछे देख रहे हो आप, फोटोग्राफी चल रही है। तो इसने पहली बार अभी अपना सिटी कैंपस देखा है, इधर मैं लेकर आया था सिटी कैंपस दिखाने के लिए, तो सेंट जॉन कैंपस है, सिटी कैंपस है, और जो अपनी लाइब्रेरी है, तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बिजनेस स्टडी यहाँ पर होती है। लास्ट वीडियोस में आपने देखा ही हुआ है कि जो मैंने आपको दिखाया था, पर मैंने अभी आपको अंदर से नहीं दिखाया, तो आपको किसी ने अंदर से भी दिखाएंगे, क्योंकि आपको पता लॉकडाउन है तो अभी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी क्लोज हैं, और ये अभी हम सेंट जॉन जा रहे हैं फ्रेंड को मिलना है, तो आज काफ़ी वॉक हो चुकी है। बाकी जॉब का मैंने आपको बताया कि जॉब एजेंसी बंद थी, हमने कॉल की है, इसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी ऑनलाइन, नंबर ले लिया उन्होंने, होपफुली कल सुबह तक इसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो अभी धूप निकल चुकी है, ये हमारा सिटी कैंपस है, सुबह क्लाउडी था पर अब धूप निकल चुकी है। ये अपने सनी भाई साहब, कैसा लगा भाई सिटी कैंपस, यहाँ से देखो लोकेशन बढ़िया है, हाँ उधर से पिक लोगे ना बहुत अच्छा है। हम सेंट जॉन कैंपस की तरह जा रहे थे, तो ये जो पहले आपने ब्रिज देखा है सबरीना ब्रिज, ये अभी नया बना है, रेनोवेट हुआ है, बिल्कुल नया हो गया, अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये पहले काफ़ी पुराना था ये ब्रिज, तो इन्होंने पूरा चेंज कर दिया इसको, आप देख सकते हो। तो ये सबरीना ब्रिज है यहाँ का, जो सेंट जॉन कैंपस को कनेक्ट करता है, तो यहाँ से शॉर्टकट है, नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल करना पड़ता था। बस फाइनली हम पहुंचने वाले हैं, आज इतनी वॉक की है, इतनी वॉक मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता मैंने कभी की होगी, क्योंकि सभी वो सिटी सेंटर में रहते हैं तो सब कुछ पास में है, ग्रॉसरी स्टोर है, ट्रेन स्टेशन, आजदा, और जो भी कुछ भी सामान लेना होता है सब कुछ पास में है। तो जिस फ्रेंड को मिलना था वो हमारे सामने ही है, तो मैं आपको अभी मिलवाता हूँ। सुबह का ब्रेकफास्ट किया है, अभी कुछ नहीं खाया, तो देखते हैं ये हमको खिलाएंगे, और ये अपने जय वजन भाई भी आ रहे हैं। आपको ले लिया वीडियो में।
और जय वसुदेव। हेलो गाइस, कैसा लगा everyone. कैसा लगा आपको यूके बताइए। बहुत अच्छा, इट्स लाइक अमेजिंग। देखो कितना अच्छा वेदर है यहाँ पे, हमें कपड़े पहनने का भी मौका मिलता है क्योंकि दिल्ली बॉम्बे में तो बहुत गर्मी होती है। ठीक है, सनी ब्रदर ने ये मंगवाया था इंडिया से, तो उनके लिए मैं शर्ट लेके आया। चलो ठीक है, ऑपरेशन ही ना अपने पीछे वो देख लिया हमने, बैंक अकाउंट खुलवाना था तो वो काम हो गया था। बाकी जयवर्धन भैया को मिले थे, उनके पास बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है, काफ़ी मतलब मुंबई से हैं वो, तो उनके साथ भी एक वीडियो करेंगे हम। उन्होंने यूरोप घूमा हुआ है, यूके पूरा पहले वो घूम चुके हैं एज अ ट्रैवलर, वो आए थे यहाँ पर अभी स्टडी के लिए आए हैं, तो काफ़ी नॉलेज है उनको मार्केटिंग वगैरह की, तो ब्रांडिंग वगैरह भी वो करते हैं, तो उनसे भी आपको मिलवाएंगे आज। इसका जॉब का ये बताएगा एक्सपीरियंस भाई, अब जॉब का बताओ क्या चल रहा है अभी। मैं तो आपको बताता ना कि जॉब का क्या सीन है अभी। अब सनी से सुन लो कि हमने जॉब एजेंसीज में रजिस्टर्ड कर दिया है, तो दो में किया है, बाकी अभी सर्च कर रहे हैं जॉब की भी, तो मैं भी इसके साथ ही हूँ अभी, बताओ आप। मैंने दो एजेंसीज में रजिस्टर्ड किया है अभी, बेस्ट कनेक्शन और स्टेप बाय स्टेप, लेकिन यार वो भी बोल रहे हैं कि इतनी जॉब है नहीं, आई थिंक मार्च में जाके मुझे कोई जॉब मिलेगी, और बाकी और एक दो जगह और देख रहा हूँ मैं, अगर मिलती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, बस यही चल रहा है अभी तो। बिल्कुल, देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, तो आपको मैंने एग्जांपल भी दे दी है, पर ये ऐसा नहीं है कि इसको मिलेगी नहीं, मिल जाएगी। अभी नए स्टूडेंट जो आ रहे हैं उनको थोड़ी लेट मिल रही है जॉब, पहले जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको दे देते हैं काम, तो इसको भी उन्होंने बोला है कि तेरे को दो वीक में या मार्च में तो बोला है दो वीक इन्होंने दिया है कि दो वीक के बाद तेरे को बता देंगे, तो होपफुली इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अपने साथ अपने एक्सपेंसिस लेकर आओ तो आपको ईजी हो जाएगा। बाकी अभी हम इस वक्त एक और जॉब के लिए जा रहे हैं अप्लाई करने, हमारी यूनिवर्सिटी के पास है, और बाकी ये सारा कैंपस है जो आप पीछे देख रहे हो, और आज भी धूप निकली हुई है, देख सकते हो कि अपना ब्यूटीफुल लग रहा है ये कैंपस। तो यहाँ पर हमारी क्लासेस लगती हैं, ये बिजनेस स्टडी यहाँ पर होती है, सनी की क्लासेस भी यहाँ पर लगेंगी, सुना है कि मार्च में क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो बहुत बढ़िया होगा। तो दिन आज भी बहुत बढ़िया है, धूप निकली हुई है, अभी जॉब के लिए जा रहे हैं और आपको वहाँ जाकर मिलते हैं, अप्लाई कर रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है। काफ़ी लंबी वॉक के लिए गए थे, जॉब का अप्लाई कर दिया है, अब देखो क्या बनता है, कब तक वो जवाब देंगे। उन्होंने हमारा फॉर्म जो हमने भरा था वो सबमिट किया है, अभी इसने एक और काम इसका पेंडिंग है, जो जीपी पे रजिस्टर्ड होना है। लास्ट ईयर मैंने वहाँ पर जाकर हुआ था, जीपी जो अपना लोकल होता है, आप किसी भी सिटी में जा रहे हो तो आपने रजिस्टर्ड करना अपने आप को डॉक्टर के पास, वो अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, तो वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर कोरोना केसेस चल रहे हैं, तो आपको पता है कुछ नहीं पता कब भी हो सकता है, तो ये ज़रूरी है जो स्टूडेंट आते हैं वो रजिस्टर्ड होए। सनी का करना है, हमने गए थे वहाँ पर तो वो कहते हैं ऑनलाइन होगा, तो आप वेबसाइट पे जाके रजिस्टर्ड कर सकते हैं, तो वो प्रोसेस बहुत ईजी है। जब मैं लास्ट ईयर आया था तो मैंने वहाँ पर जाकर किया था, वहाँ पर सिर्फ 2-3 मिनट लगते हैं। आपका जो नंबर IHS नंबर होता है ना, वो हेल्थ सरचार्ज होता है, IHS नंबर, इमिग्रेशन हेल्थ, हाँ वो आपको मिलता है नंबर, वो आपका नंबर आपके पास होना चाहिए, फिर वो आपको पूछते हैं कि आपका आप कहाँ पर रह रहे हो, जो आपका एड्रेस है। तो गाइज इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि आप जहाँ पर परमानेंट आपको जब लोकेशन आपकी मिल जाती है ना, जो आपका एड्रेस परमानेंट आपको मिल जाता है, तो आपने वहाँ पर वही एड्रेस देना है। अगर आप क्वारंटाइन हो, अगर आप थोड़े दिन के लिए किसी रिलेटिव के पास हो, तो आप गलती से भी उधर का एड्रेस दे दोगे, अपने सभी प्रूफ जो आपको चाहिए, तो फिर आपकी जितनी भी पोस्ट आएंगी वो सभी उसी एड्रेस पे आएंगी। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि आप अपना एक परमानेंट एड्रेस हो आपका। खैर गाइस वीडियो के एंड करते हैं, ऑलरेडी आपको बता दिया कि हमने जॉब अप्लाई कर दी है, वहाँ से वॉक करके आए हैं थके हुए, अभी जाकर लंच करेंगे, अभी दोपहर के 3 बजे आई थिंक, तो अभी खाना बनाना है, कुछ भी नहीं घर पर रेडी, तो सब्जी बनी हुई है आलू मटर की, वो सनी ने बनाई है बहुत बढ़िया, तो कुकिंग भी आप सीख कर आओ। बाकी सनी को सेंट जॉन कैंपस ले गए थे आज, तो सेंट जॉन कैंपस घुमाया थोड़ा सा, देखा है अभी स्टूडेंट वहाँ पर कोई भी नहीं था क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन है। बाकी एक और बात कि मार्च में यहाँ पर अपडेट आएगी नहीं कि जो लॉकडाउन है अब ये एक्सटेंड होगा या क्या होगा, ओपन हो जाएगा, तो होपफुली उम्मीद है कि लॉकडाउन ओपन होगा क्योंकि केसेस कम आ रहे हैं अभी, 10-15 हज़ार 20 हज़ार एवरेज चल रही है, और वैक्सीन भी सबको लगनी शुरू हो गई है, तो ये अच्छी बात है। बाकी जॉब का इसका जैसे लगेगा ये जॉब, मैं साथ के साथ व्लॉग बनाऊंगा, आपको बता दूंगा कि ये जॉब लग चुका है। इसके घर वाले भी वीडियो देख रहे थे, तो अंकल आंटी जी जो वीडियो देख रहे हैं, इसके मम्मी पापा, मैं उनको भी नमस्ते करता हूँ, हेलो करता हूँ, तो सब प्यार करते हैं, बढ़िया है, सब फैमिली वाले भी देखते हैं व्लॉग। बाकी अभी हम सिटी कैंपस, इधर ये हमारा सारा बिजनेस स्कूल है, यहाँ पर स्टडी होती है जो बिजनेस वाले स्टूडेंट हैं, तो बहुत अच्छा कैंपस है,
किसी दिन अंदर से भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, इसकी भी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, तो मेरा भी ऐसा ही है। तो ठीक है गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी अपना एड्रेस का जरूर ध्यान रखें कि आपने परमानेंट एड्रेस देना है, जहाँ पर आप रह रहे हो तो वहाँ पर ही आपकी सभी पोस्ट आएंगी। कई स्टूडेंट फिर बाद में ट्रबल होते हैं कि उनका NIN नंबर किसी और एड्रेस पे आ रहा है, GP वाली लेटर किसी और पे आ रही है, और जॉब वाली जो पे स्लिप्स होती हैं किसी और एड्रेस पे आती है, तो उसका ध्यान रखें। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।